लाइक करने के लिए. तो आज जो है हम बहुत ही केमिस्ट्री की बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो डालने जा रहे हैं जो कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है. फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के वो इतने ज्यादा हैं कि उनको लर्न करने में हमें बहुत ही परेशानी होती है. तो हम उनको लर्न करने के लिए कुछ ट्रिक्स जो है वो रिमेम्बर रखें ताकि जब भी हमें पीरियोडिक टेबल की हेल्प हो हम उन ट्रेंड्स की मदद से उन एलिमेंट्स को रिमेम्बर कर सकें. तो फ्रेंड्स, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है पीरियोडिक टेबल. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पीरियोडिक टेबल. फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल जो है उसमें बहुत सारे ग्रुप्स, वो ग्रुप्स और पीरियड्स में जो है वो डिवाइडेड हुआ है. पहले हम जनरल से इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल की. पीरियोडिक टेबल में जो है वो 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स हैं. और ये जो इसमें जो है वो एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं एक सीक्वेंस से इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से. तो लेकिन ये किस वे से अरेंज है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी. इसमें जो है वो मेनली 4 ब्लॉक्स हैं. 4 ब्लॉक्स आर 4 ब्लॉक्स विच आर, फर्स्ट इज एस ब्लॉक, सेकेंड इज पी ब्लॉक, थर्ड इज डी ब्लॉक एंड फोर्थ इज एफ ब्लॉक. पहले तो हम बात करें कि ये ब्लॉक्स कौन सी बेसिस पे डिवाइड हुए हैं. तो जैसे कि ये नाम सुजेस्ट कर रहे हैं एस ब्लॉक, हमें पता है कि जैसे ही हम एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब स्टार्ट करते हैं तो वो एस पी डी एफ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं. तो एस ब्लॉक हमें सुजेस्ट करता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस ब्लॉक में हैं. जैसे कि हम देखते हैं कि सोडियम है, सोडियम इज 11 एंड इट्स आउटर कॉन्फ़िगरेशन, जो इसके आउटर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एस में आता है, तो इसको एस ब्लॉक में जो है वो रखा गया है. इसके बाद जैसे आप देखते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में भी आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एस में आते हैं, जैसे कि एस टू, उसका एमजी सिंबल है 12, उसका एटॉमिक नंबर है और एस टू. तो आप देख रहे हैं कि आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एस में आ रहे हैं, तो एस ब्लॉक में हम इसको रखते हैं. तो अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स को लर्न करने के लिए मैंने एक हैंडमेड जो है वो चार्ट बनाया है. अब हम इसको एक चार्ट की मदद से पढ़ेंगे. अब हम इन ट्रेंड्स को जो है वो एक चार्ट की मदद से पढ़ेंगे. ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया है. दिस इज एस ब्लॉक एलिमेंट, ये सारे एस ब्लॉक के हैं. दिस इज पी ब्लॉक एलिमेंट, ये पी ब्लॉक के हैं. दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. क्यों? क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी ब्लॉक में. और दिस इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज ऑल द जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एस ब्लॉक से स्टार्ट होती है. तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से. हाइड्रोजन का आप लोगों को पता है कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1. आप देख रहे हैं कि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस में फिल हो रहा है, तो इसको एस ग्रुप में हमने क्या इसको एस ग्रुप में रखा गया है. आप देखते हैं इसके बाद लिथियम. लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 3 है. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 1s2 2s1. इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो एस में आ रहा है s1. तो इसी तरह से ये जो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो एस में ही आएगा. s1 इनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो हम इस पहले ग्रुप का जो है वो स्टार्ट करेंगे. ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. तो इसका टेन जो है हेली चार्ट. तो अब जो है वो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से. ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. तो इसका ट्रेंड मैं आपको बताऊंगी. इसका ट्रेंड है हे लीना करो लब से फरियाद. इसका ट्रेंड है हे ली ना करो रब से फरियाद.
लर्न करने के लिए बनाए हैं, कोई मीनिंग इसका पर्टिकुलर नहीं है। अब आप देखेंगे कि हे से है हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम जो इसका सिंबल है सोडियम का। अब बीच बीच में कुछ ऐसे भी हैं कि सोडियम का ये सिंबल है Na, तो आपको लर्न करना पड़ेगा यहां से। और आगे करो से इसका के हम उठाएंगे पोटाशियम, के फॉर पोटाशियम। रब, रब का मतलब है रुबिडियम और इसका सिंबल है Rb। आगे नेक्स्ट है सीजियम और सीजियम का है Cs। और फरियान से हमने लिया है Fr। तो इस तरह ये जो है ये फर्स्ट ग्रुप जो है ये कंप्लीट हुआ। हे लीना करो रब से फरियान, ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो फ्रेंड्स ये जो हमने अभी पढ़ा ये अल्कली मेटल्स का ट्रेंड था। अब जो है वो हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ट्रेंड पढ़ेंगे। ये जो है ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये जो है ये सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप जो है इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। इसका ट्रेंड मैं आपको बता रही हूँ, बेटा मांगे कार स्कूटर बाथरोय, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाथरोय, ये जो है वो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सिंबल किस कैसे हम इनको लर्न करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे बी आ रहा है, बी से जो है हम वो बीई सिंबल ले लेंगे बेरिलियम का। बीई ये जो है ये बेरिलियम का सिंबल है। आगे है मांगे, मांगे से हम Mg जो है मैग्नीशियम के लिए। आगे कैल्शियम, कैल्शियम से हम Ca ले लेंगे, कैल्शियम Ca। कैल्शियम के बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम जो है वो हम स्कूटर से ले देंगे Sg। नेक्स्ट वन इज बाप, बाप से जो है वो हम बेरियम का सिंबल ले लेंगे Ba। और द लास्ट इज रोए, रोए से हम रेडियम का सिंबल ले लेंगे। तो इस तरह ये ट्रिक जो है ये कंप्लीट हुआ, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, इससे हमने सिंबल लिया बीई, Mg, Ca, Sg, Ba और Ra। इस तरह जो है फ्रेंड्स हमारा आज का पीरियडिक टेबल का फर्स्ट सेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। ये हमारी पार्ट वन वीडियो थी। आप नेक्स्ट के ट्रेंड जानने के लिए जैसे एफ ब्लॉक के, डी ब्लॉक के और पी ब्लॉक के ट्रेंड जानने के लिए आप दोबारा हमारे वीडियोस को और चैनल्स को